ये बात है साल 1995 की। मुंबई में शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने मनोहर जोशी। जीत के जश्न में कुछ दिन बाद एक पार्टी भी हुई। चंद ही मेहमान उस पार्टी में थे और पार्टी बिल्कुल शांति से चल रही थी। तभी पार्टी में एंट्री हुई शिवसेना प्रमुख पाल ठाकरे की। ठाकरे ने देखा कि खाने का तो अच्छा खासा इंतजाम है लेकिन पीने को कुछ नहीं है। ठाकरे ने एकदम बिफरते हुए कारण पूछा तो पता चला सीएम की मौजूदगी में शराब पीना ठीक नहीं। ठाकरे लेकिन फिर ठाकरे थे, उन्होंने तुरंत एक शैंपेन की बोतल मंगवाई। ग्लास में शैंपेन के बुलबुले छूटने लगे तो सबने सीएम की ओर नजर फिराई। सीएम साहब अब नदारद थे, ठाकरे को ना कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। सो कैमरामैन की नजर से बचने के लिए वो एक कोने में जाकर बैठ गए। इसी दिन सबको पता चला कि सत्ता पर चाहे कोई बैठे, रिमोट कंट्रोल बाल ठाकरे के हाथ में रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे आपको राजनेताओं से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। रशीद किदवई की अपनी किताब लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजंस 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडिया पॉलिटिक्स में, इसमें बाल ठाकरे से जुड़ा एक और किस्सा है, वो आपको बताते हैं। बात दरअसल ऐसी थी कि दोस्त हो या दुश्मन, ठाकरे किसी को भी आड़े हाथ लेने से चूकते नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की मौत पर उन्होंने कहा कि देसाई की एकमात्र उपलब्धि यह है कि वो 100 साल जिंदा रहे। इसी तरह 1989 में एक बार जब वो कोंकण में एक रैली में भाषण दे रहे थे, शरद पवार उनके निशाने पे आ गए। शरद पवार तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रैली में ठाकरे पवार के बारे में बोले, वो हर रात अपने उद्योगपति दोस्तों के साथ मिलकर पूरी स्कॉच कटक जाते हैं। इसके बाद खुद से तुलना करते हुए ठाकरे ने कहा कि मैं पक्का राष्ट्रवादी हूँ जो बस भारत में बनी बियर पीता हूँ। आगे वो बोले, बियर तो पेट के लिए अच्छी होती है लेकिन स्कॉच पीने से एक दिन पवार का लीवर खराब हो जाएगा। खैर, भाषण खत्म हुआ, सब बोरा बिस्तर बंद कर लौटने लगे, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। ठाकरे के भाषण को सुनने के बाद दो लड़के सीधे पास की केमिस्ट की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने केमिस्ट से बियर की मांग की, पूछे तो बोले कि पेट में दर्द है। केमिस्ट को दर्द और बियर का रिलेशन तो समझ आया नहीं, इतना ज़रूर बोला कि वो बियर लेने के लिए उन्हें शराब की दुकान में जाना होगा। केमिस्ट का जवाब सुनकर भी दोनों टस से मस नहीं हुए। केमिस्ट ने पूछा कि पेट में दर्द है तो बियर क्यों मांग रहे हो? दोनों ने जवाब दिया कि बाला साहब ने बताया है कि बियर पीने से दर्द ठीक होता है। बेचारा केमिस्ट देर तक समझाता रहा, फिर अंत में उसने बड़ी मुश्किल से पेट के दर्द की एक गोली देकर दोनों को रवाना किया। दोनों चले तो गए लेकिन तब भी इस बात को लेकर खफा थे कि असली दवा तो उनको मिली नहीं। बाल ठाकरे से जुड़ा एक और किस्सा सुनिया। साल 2007 में यूपीए ने श्रीमती प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। ठाकरे थे तो यूपीए के विरोधी खेमे में, लेकिन फिर उन्होंने पाटिल को मराठी अस्मिता के आधार पर समर्थन करने का ऐलान किया। इसके बाद 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। सबको उम्मीद थी कि इस बार ठाकरे विरोध करेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने नया जुमला दे दिया। बोले कि यह स्वाभाविक है कि मराठा टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर को सपोर्ट करे। अपनी आत्मकथा के तीसरे अंग द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 में मुखर्जी लिखते हैं कि जब वो मुंबई आए, शरद पवार ने उनसे ठाकरे से मिलने जाने के लिए कहा। सोनिया गांधी इस बात से नाराज थी लेकिन फिर भी प्रणब ठाकरे के घर मातोश्री में उनसे मिलने गए। प्रणब दा पहुंचे तो देखा कि ठाकरे ने स्वागत का भव्य इंतजाम किया। आत्मकथा में वो लिख रहे हैं, प्रणब मुखर्जी की बात कर रहे हैं हम, आत्मकथा में वो लिख रहे हैं कि बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुंबई आकर मैं उनसे मिलने ना जाता तो ये बात ठाकरे को अपनी निजी तौहीन लगती। अब किस्सा उस कांग्रेस नेता का जिसे सब कुछ मंजूर था लेकिन चाय की तौहीन मंजूर नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की। किदवई अपनी किताब में बताते हैं कि वोरा कांग्रेस के प्रति इतने समर्पित थे कि पार्टी की बातें अपने परिवार के साथ भी शेयर नहीं करते थे। वोरा 18 साल तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे थे और इसी के चलते उन्हें पाई पाई का ध्यान भी रहता था। उनके सामने अगर कोई कप में चाय छोड़ने की हिमाकत करता तो वोरा तुरंत टोकते हुए कहते कि 8 रुपये की आती है चाय। किदवई लिखते हैं, इसके बावजूद घर हो या ऑफिस, दिन हो या रात, उनके पास से कोई भी चाय पिए बिना नहीं जाता। एक बार ऐसा हुआ कि एक मानसिक रूप से बीमार आदमी उनके कमरे के अंदर घुस गया और बोलने लगा कि मैं प्रियंका गांधी का हस्बैंड हूँ। वोरा ने उसे भी चाय पिलाई और सिक्योरिटी बुलाने के बजाय उसे नमस्ते बोलकर रवाना किया आदर से। वोरा 1985 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वोरा के मुख्यमंत्री बनने का दिलचस्प किस्सा आपको लगेगा, सुनिए। वह यूं कि 1980 से 1985 तक अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। उस साल हुए चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और अर्जुन सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गए।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद अर्जुन सिंह दिल्ली गए ताकि कैबिनेट की लिस्ट पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मुहर वो ले लें। राजीव ने यहाँ एक उल्टी चाल चली, लेकिन उन्होंने अर्जुन सिंह से पंजाब का राज्यपाल पद स्वीकार करने को कहा। अर्जुन सिंह ना नहीं कह पाए, उन्होंने राज्यपाल का पद स्वीकार कर लिया। अब सवाल था कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे। रेस में माधवराव सिंधिया ग्वालियर से, श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल, ये दोनों भाई हैं, जैसे दिग्गज थे। लेकिन आखिर में इन सबको नकारते हुए राजीव ने मोतीलाल वोरा का नाम फाइनल कर दिया। वोरा को क्यों चुना गया, इसके अलग अलग वर्जन से। विरोधियों के अनुसार जब राजीव ने अर्जुन सिंह से उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा, वोरा भी वहीं खड़े थे। अर्जुन सिंह नाम फाइनल करने के लिए वोरा की भी राय लेना चाहते थे। राजीव के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वोरा। बाद में अर्जुन सिंह को एहसास हुआ कि राजीव ने वोरा को वोरा समझ लिया। किद्वे अपनी किताब में वोरा के मुख्यमंत्री बनने की एक और थ्योरी बताते हैं। इसके अनुसार राजीव माधवराव सिंधिया को सीएम बनाना चाहते थे। दिल्ली में डिसीजन फाइनल हुआ और माधवराव एक चार्टर प्लेन लेकर भोपाल लौटे भी। इसी प्लेन में वोरा भी मौजूद थे। बातों बातों में सिंधिया ने वोरा से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और दिनचर्या के बारे में जानना चाहा। वोरा ने उन्हें क्या बताया ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही प्लेन भोपाल में लैंड हुआ, सिंधिया भागे भागे फोन के पास पहुंचे और राजीव को फोन कर वोरा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह दिया। इस तरह वोरा पहली बार मुख्यमंत्री बने। थ्योरी है, साल 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, गुरुद्वारा रकबगंज मार्ग पर कांग्रेस का वॉर रूम होता था। यहाँ मोतीलाल वोरा का एक अलग कमरा होता था जहाँ उनकी एक अलग कुर्सी रखी रहती थी। पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और सुशील कुमार शिंदे जैसे दिग्गज नेता भी जब वॉर रूम में आते, उन्हें बाबूजी यानी मोतीलाल वोरा की कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। किदवे लिखते हैं कि वोरा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी कमाल का था। एक बार 24 अकबर रोड, जो कि पार्टी कार्यालय था कांग्रेस का, है वहाँ एक बड़ा पेड़ गिर गया। ये वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी और कांग्रेस के दिन खराब थे। टूटे हुए पेड़ को देखकर किसी ने कह दिया कि इस पेड़ का हाल भी कांग्रेस की तरह हो गया है, शायद जड़ें इसकी सड़ने लगी। वोरा ने ये सब सुना लेकिन कोई बहस नहीं की, बल्कि कुछ देर बाद वो बोले, पर देखो तो कितने खाली जगह निकल कर आई है। ऐसी ही खाली जगह का एक और किस्सा है जब सीताराम केसरी ने AICC के कोषाध्यक्ष का पद छोड़ा। केसरी के ऑफिस खाली करने के बाद जब वोरा वहां से काम करने लगे, कुछ रोज बाद एक दिन छत का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। तब मोतीलाल वोरा ने देखा कमरे में एक फॉल सीलिंग यानी दुछत्ती बनी हुई है। ऐसी दुछत्ती पहले से पैसा और कीमती सामान छुपाने के लिए बनाई जाती थी। पहले के जमाने में उसमें नोट फंसाते थे लोग। दुछत्ती देखकर किसी ने वोरा से कहा कि चलिए देखते हैं, क्या पता कुछ उसमें रखा भी हो। वोरा ने जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है सीताराम ऐसे ही कुछ छोड़कर चला जाएगा। वोरा ये बात तंज में कह रहे थे, जिसका आशय था कि सीताराम केसरी भी कोषाध्यक्ष रह चुके थे और पैसों के मामले में उनका भी कोई सानी नहीं था। बहरहाल इसी किस्से के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। इससे आपके लिए कंपाइल किया है, लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया है। देखते रहिए दिल अलर्ट टॉक।